सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल शुभम स्टडी जीके और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम स्टडी जीके। एंशिएंट हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वैदिक एज के बारे में बात करने वाले हैं। इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो छोटा सा एग्जाम हो, वो कोई वनडे एग्जाम हो या कोई हायर लेवल एग्जाम जैसे यूपीएससी पीसीएससी सीटेट, कोई भी एग्जाम हो, इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैदिक एज के आज ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऋग वैदिक एज के बारे में, उन कौन सी उसके बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। तो चलिए, यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर दें, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वैदिक एज की। तो आज हम वैदिक एज में जो बात करने वाले हैं वो ऋग वैदिक एज के बारे में बात करने वाले हैं। पहले बात करेंगे कि अगर वैदिक काल को पढ़ते कैसे हैं, किस तरह से वैदिक काल का विकास हुआ। तो जो वैदिक काल को पढ़ा जाता है वो दो दो तरीके से पढ़ा जाता है। पहला होता है, एक होता है जैसे कि इसमें आपको नजर आ दो भागों में पढ़ते हैं, एक होता है ऋग वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। जो वैदिक काल की जो समय सीमा है वो कुल मिला के 1500 ईस्वी से लेकर के कितनी 600 ईस्वी तक मानी जाती है। और ऋग्वेद इसको दो भागों में पढ़ते हैं, पहला होता है ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल होता है उसकी समय सीमा 1500 BC से 1000 BC तक है, और दूसरी उत्तर वैदिक काल उसकी समय सीमा क्या है, 1000 BC से 600 BC तक है। तो इसके जो साहित्यिक स्रोत प्राप्त होते हैं जैसे ऋग्वैदिक, आज लेकिन ऋग्वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में उत्तर वैदिक काल डिस्कस करेंगे। तो जो भारतीय भारत के इतिहास लेखन की समस्या है उसमें क्या है कि जो साहित्यिक स्रोत होते हैं वो पौरातात्विक सोच होते हैं, उनकी क्या है, मैच नहीं खाते हैं। जैसे कि ऋग्वैदिक में बात करें, ऋग्वैदिक काल में तो उसका साहित्यिक सोच क्या है, ओनली एक स्रोत है ऋग्वेद। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में बात करेंगे उसके तीन वेद और आ जाएंगे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक वगैरह अपने शब्द भी आ जाएंगे, और साथ में चित्र दूसर निर्माण पेंटेड ग्रेवेयर भी आ जाएंगे। तो भारत के इतिहास लेखन की ये समस्या है कि उसके जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं और साहित्यिक साक्ष्य हैं वो क्या है, कभी तालमेल ही नहीं खाते। इसी को लेकर के क्या होता है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है। कैसे मतभेद उत्पन्न हो जाता है, चलिए हम बात करते हैं, नए पेज लेकर आपको बताता हूँ। जैसे बात करें कि वैचारिक मतभेद के, तो वैदिक काल को जैसे पढ़ें कि कोई पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है और एक क्या होता है, एक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है और एक साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या है, दो उत्पत्ति के सिद्धांत आ जाते हैं इसके, कि आखिर जो आर्य भारत वैदिक एज स्टार्ट हुआ तो वो कैसे हुई, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी दो, एक होता है देशी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा होता है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इसके लेकर विचार हो जाता, ये क्या होता है कि वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है। जो इतिहासकार हैं, जो देशी उत्पत्ति के सिद्धांत वाले लोग कहते हैं कि जो आर्य हैं वो भारत के ही मूल निवासी हैं। जिस तरह से हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ और हड़प्पा सभ्यता के बाद जो लोग बचे उन्होंने ही भारत का क्या किया, आर्यों का रूप कालांतर में ले लिया। लेकिन क्या होता है कि जो अगर लोग कहते हैं, लेकिन जो विदेशी लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, आर्य क्या है, मध्य एशिया से भारत में आए थे और उनका जो मूल स्थान था वो कहाँ था, आल्पस पर्वत के निकट था, ठीक है, और वे मध्य एशिया से यूरोप होते हुए, ईरान होते हुए, भारत के पश्चिमी क्षेत्र अफगानिस्तान वाले एरिया से होते हुए, कहाँ, अफगानिस्तान के एरिया से होते हुए भारत में आए थे और सबसे पहले भारत में पंजाब वाले एरिया में प्रवेश किया था। तो ये वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जो विदेशी उत्पत्ति का संदान है और जो देशी उत्पत्ति का सिद्धांत है, दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वापस से चलते हैं अपने वहीं पे। चलिए आगे बात करते हैं कि आखिर वैदिक आर्यों का, अब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आप माइंड में बन सकते हैं, मूल क्वेश्चन कि वैदिक लोग के मूल स्थान कहाँ से था, क्या क्या है देशी उत्पत्ति, विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत, आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था, क्या आर्य एक साथ ही भारत में आ गए थे, क्षेत्रीय विस्तार कहाँ से तक था, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धर्म दर्शन कौन था, किस प्रकार का था। तो अगर हम इतने सारे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो क्या होगा कि हमारा पूरा पूरा वैदिक एज क्या होगा, कवर हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चनों का आंसर ढूंढते हैं। कैसे, पहला स्थान है कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ से था, तो इसके संबंध में दो उत्पत्ति के सिद्धांत आते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, एक होता है देशी उत्पत्ति के सिद्धांत, दूसरा विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत। जो देशी उत्पत्ति के सिद्धांत है उसमें क्या क्या है कि आर्य भारत के ही लोग होते हैं, लेकिन इसमें ये मतभेद उत्पन्न हो जाता है, यदि आर्य भारत के ही लोग थे तो उनका प्रसार दक्षिण पूर्व स्थान में क्यों नहीं हो, मतलब दक्षिण पूर्वी एरिया में, जिससे मैप के जरिए समझते हैं, जैसे कि ये आर्यों का कुछ मैप है कहाँ तक फैला हुआ था, तो विस्तार की देर में बताया गया ये गंधार है यहाँ पे, ठीक है, अफगानिस्तान वाला एरिया, ये कुरु पंचाल एरिया और ये गंगा नदी का एरिया है, ठीक है, इसको बाद में समझ में बाद में आएगा। चलिए पहले एक ब्लैंक पेज के जरिए समझते हैं। तो जो देशी उत्पत्ति के सिद्धांत के विषय में वैचारिक मतभेद है, जैसे कि एक मैप खींच लेते हैं भारत का कोई, ठीक है, ऐसे साधारण सा मैप, उसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं क्या आखिर क्या है।
जैसे ये मान लीजिए प्राचीन भारत का मैप है, इसके जरिए तो जो देशी उत्पत्ति के सिद्धांत कहते हैं कि नहीं आर्य भारत के लोग, उनमें ये मतभेद होता है कि यदि आर्य भारत के लोग थे तो ये सप्त सिंधु प्रदेश यानी ये वाला एरिया जो यहाँ पे सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं और यहाँ पे ये अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया ये सारा सारा कवर किए हुए यहीं पे क्यों बसे, उन्होंने सिर्फ इसी जगह में क्यों बस निवास किया। यदि वो भारत के लोग थे तो उनको यहाँ भी फैलना चाहिए, यहाँ भी आके रहना चाहिए, यहाँ सारे सारे पूरे भारतवर्ष में फैल जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ उस लेकिन दक्षिण पूर्व एरिया में नहीं गए, वो क्या किए केवल सप्त सिंधु प्रदेश में ही रह गए। इसका मतलब ये मत क्या होता काम नहीं करता, क्योंकि अगर भारत के लोग होना चाहिए तो उनको पूरे भारत में फैलना चाहिए, इसीलिए ये मत काम नहीं करता है। इसलिए आता है विदेशी उत्पत्ति का मत, ठीक है। विदेशी उत्पत्ति का मत क्या कहता है, विदेशी उत्पत्ति का मत कहता है कि आर्य क्या थे, वो भारत के मूल निवासी नहीं थे बल्कि आल्पस पर्वत, जो आल्पस पर्वत कहाँ पे ये आपको कमेंट में बताना है कि आल्पस पर्वत जो है ये किस कहाँ पे पड़ता है आल्पस पर्वत, तो आल्पस पर्वत के पास में एक वहां पे यूरोप से यूरेशिया से होते हुए आए थे। जैसे आप मैप के जरिए समझने की कोशिश करना, जैसे अभी हमने भारत का मैप लिया था, देखिए अभी एक सेकेंड रुकिए, अभी ऐसे साधारण रफली मैप बना लेते हैं। तो ये जो भारत हो गया, ये वाला जो तिब्बत वाला एरिया इसको चाइना है जिसको तिब्बत बोलते हैं, यहाँ से बेडनिस्तान का एरिया है, ठीक है। और यहाँ से होती है ये मध्य एशिया के देश आ जाते हैं, यहाँ ईरान इराक कुछ फैला हुआ है, कुछ ऐसे आकृति भू आकृति बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए ऐसा कुछ एरिया बना हुआ है, ये रूस का आल्पस पर्वत है, ठीक है। तो जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत कहता है वो कहता है कि रूस के जो आल्पस पर्वत से होते हुए जो आर्य थे वो मध्य एशिया से होते हुए यहाँ से रूस के आल्पस पर्वत से मध्य एशिया में आए, मध्य एशिया में ईरान इराक से होते हुए वो सीधा भारत अफगानिस्तान की ओर बढ़े और अफगानिस्तान से होते हुए सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के यहाँ पे निवास किए। ये सिद्धांत का क्या है, ये काम का है क्योंकि इसमें के बाद जब क्योंकि ये काम का सिद्धांत है और ये लगभग सत्य मालूम होता है, क्योंकि जो आर्य थे वो क्या करते हैं कि अगर वो मध्य एशिया से आए थे तो ईरान में एक अभिलेख प्राप्त होता है, 1400 ईस्वी में एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसको कहते हैं बोगज कोई अभिलेख, ठीक है। कौन बोगज, बोगाज कोई अभिलेख, इसमें चार देवताओं की गणना मिलती है, इंद्र वरुण मित्र और नासत, जिससे स्पष्ट होता है कि अगर वो आर्य लोग अगर मध्य एशिया से नहीं आए होते तो क्या होते वहां पे इस अभिलेख के वैदिक एज का अभिलेख प्राप्त ही नहीं होता। इसका मतलब जो हमारा विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है वो क्या होता है कारगर साबित होता है। और आर्यों का मूल निवास कौन सा होता है, ब्रैंडिस्तान, ब्रैंडेनिस्तान, इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं, ब्रैंडेनिस्तान का एरिया सदार्थ कह देते हैं कि मध्य एशिया से आर भारत में प्रवेश किए थे। और क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि आर अगर भारत में आए थे तो किस दर्रे से प्रवेश किए थे, तो उसका उस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। क्या नाम है, खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया था आर्यों ने, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले कहाँ पे बसे, सप्त सिंधु प्रदेश पे आके बसे और जो पंजाब वाला रीजन है वहीं पे आके सबसे पहले बस गए, ठीक है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो अफगानिस्तान और अब सिंधु वहीं पे आके बसे। ये उसका देशी उत्पत्ति और विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत है, उनकी उत्पत्ति संबंधित, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था, आर्य कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आर्य का जो भौगोलिक विस्तार है तो उसके लिए सिर्फ हमारे पास एक ही साक्ष्य प्राप्त होता है, किससे हम जान सकते हैं कि कहाँ तक फैला हुआ था, तो इसके केवल एक ही मिलता है सात्विक साक्ष्य, वो होता है ऋग्वेद। क्योंकि जो ऋग्वेदिक आर्यों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। जैसे बात करें तो आर्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, जो भारत में आर्य वाल ये जितना भी आपको पीले कलर में दिख रहा है ये सारा सारा आर्यकालीन एरिया है, जिसको वैदिक कालीन एज कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में ये सिंधु नदी हो गई, उसकी सहायक नदियां विदस्ता, ठीक है, परुष्णवी, सतद्री, ये सारी सारी नदियां जो सतलज कहते हैं, ठीक है। और यहाँ आते कुरु पंचाल, लेकिन जो आर थे वो क्या कह रहे थे, प्रारंभिक आर थे वो केवल ये यमुना नदी दे रही है और ये गंगा नदी दे रही है। तो जो प्रारंभिक आर थे ये जो मैप है ये उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल दोनों के लिए था, लेकिन यहाँ तक आर्यों का विस्तार नहीं होता। चलिए आपको अच्छे से बताता हूँ कि अगर आर्यों का विस्तार कहाँ तक हुआ था। जैसे आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे भूआकृति बनी हुई है, ठीक है, ऐसे ये सप्त सिंधु प्रदेश वाला एरिया है। और यहाँ से फिर ये नदियां जैसे हिमालय का तलछटी छेड़ है, यहाँ से पहले यमुना निकलती है, फिर इसी की थोड़ी दूर यहाँ से निकलती है गंगा नदी। ये वाली जो रिवर है उसको कहते हैं गंगा, ठीक है, और ये वाली है यमुना, ठीक। लेकिन जो आर आए थे तो उनका स्थान यहीं तक आकर सीमित हो गए थे, ठीक है। मेरठ वाला एरिया जैसे कुरु कुरु पुरु हस्तिनापुर कहते हैं, यही तो कि आर क्या होगा सीमित रहो। ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम इस चैप्टर में सिर्फ ऋग्वेदियों के बारे में बात करेंगे, ऋग्वैदिक आर्य व्यवस्था कैसी थी। ये सप्त सिंधु वाला प्रदेश है, यहाँ पे सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं। तो जो आर्यों का जो भौगोलिक स्थिति थी ऋग्वैदिक आर्यों की, वो सप्त सिंधु प्रदेश से लेकर के यमुना तक ही पहुंच पाए, क्योंकि जो ऋग्वेद का हमारा साक्ष्य प्राप्त होता है, ऋग्वेद में यमुना की चर्चा कितने बार मिलती है, तीन बार मिलती है,
और गंगा की चर्चा कितने बार मिलती है, एक बार चर्चा मिलती है। लेकिन जो सप्त सिंधु नदियां हैं, जैसे सिंधु नदी होती है, इसकी चर्चा सबसे ज्यादा बार मिलती है। इसका मतलब आर्यों का सबसे अधिक विस्तार कहाँ था, सिंधु नदी के आसपास हुआ होगा। और यहीं पे एक सरस्वती नदी की मिलती है व्याख्या, जिसको नदियों की माता जिसे नदीतमा कहते हैं, इसको ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो क्या सबसे पवित्र नदी कौन सी हो गई, नदीतमा, जिसको कहते हैं सरस्वती नदी। और सबसे ज्यादा अधिक बार उल्लेख किसका हुआ, सिंधु नदी का हुआ। लेकिन जो गंगा और यमुना नदी, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ और गंगा नदी का उल्लेख एक ही बार हुआ ऋग्वेद में। इसका मतलब कि जो ऋग्वेदिक आर्य थे वो गंगा और यमुना के जो दुआब क्षेत्र हैं यहाँ पे आके नहीं बस पाए थे। इसका विस्तार बाद में जब हम उत्तर वैदिक काल में लेटर वैदिक एज में पहुंचते हैं वहां पे इसका विस्तार होता है। जो आर्यों का भौगोलिक विस्तार था केवल यमुना सप्त सिंधु प्रदेश में ही था और गंगा यमुना दुआब क्षेत्र में वो यहाँ पे नहीं आ पाए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आर्यों का प्रारंभिक विस्तार कहाँ पे कहाँ तक था। ठीक है, प्रणय, चलिए वापस से चलते हैं अगले क्वेश्चन के। जो क्वेश्चन था आर्यों का कि एक साथ भारत में आ गए थे या अलग अलग समूह में भारत आए, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्योंकि हम जिस प्रकार से ऋग्वेद में साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि आर्यों के हनन का स्थान, 10 और 10 के हनन का स्थान, उससे ये साफ प्रतीत होता है कि आर्य एक साथ भारत में नहीं आए थे, बल्कि उनकी एक पीढ़ी दर पीढ़ी भारत में आती गई। जैसे बात करें कैसे भारत में आए, जैसे सपोज दैट कोई ये भारत है, ठीक है, इस भारत वाले एरिया में आर पहले यहाँ से मध्य एशिया से होते हुए यहाँ से एक पीढ़ी, एक मतलब जिसको कहते हैं एक टुकड़ी यहाँ भारत पे आई। यहाँ पे जो भारत के पहले लोग रह रहे थे उनको क्या नाम दिया, उनको दस्यु नाम दिया। क्या नाम दिया उनको, दस्यु नाम दिया। और ठीक है, और इन्होंने इससे आके दस्यु से क्या होगा, जब ये यहाँ पे आके क्या करेंगे, इनसे आएंगे तो इनका संघर्ष तो जरूरी है, संघर्ष जरूर होगा अगर यहाँ पे आएंगे। तो दस्यु से इनका संघर्ष हुआ तो एक टुकड़ी आके बस गई। इसके बाद क्या हुआ, कालांतर में इसके बाद फिर दूसरी टुकड़ी आई, फिर उसने उसको क्या कर दिया, उसको भी क्या कर दिया, हस्तांतरित कर दिया और दूसरी कालांतर में यहाँ पे पड़ गया और वो आगे बढ़े। इसके बाद क्या हुआ, जो यहाँ पे लोग, तो जो पहली टुकड़ी आई उसको दास नाम दे दिया। क्या दास और दस्यु की चर्चा बहुत मिलती है, क्योंकि ऋग्वेदिक में देखते हैं कि दास हत्या की चर्चा नहीं मिलती है लेकिन दस्यु हत्या की चर्चा मिलती है। इसका मतलब कि संघर्ष जरूर हुआ होगा आर्यों और अनार्यों के बीच में। जो दस्यु थे और जो दास थे इनको क्या कर दिया गया, इनको नाम दिया गया अनार। क्या नाम दिया, अनार कहा गया इनको। और जो नई शाखा आई, जो नई बटालियन आई, उसको नाम दिया गया आर। तो आर और अनार दो भागों में बढ़ गया ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भारत में एक साथ नहीं आए बल्कि अलग अलग समूह में भारत में आए। ठीक है, अगला है आर्यों का क्षेत्रीय विस्तार, किस क्रम में किससे संघर्ष हुआ या नहीं। तो संघर्ष हुआ किससे हुआ, हमने जाना कि जो यहाँ पे पहले क्या है, पहली वाली टुकड़ी थी उसको दास नाम दे दिया और जो भारत के मूल निवासी थे उनको क्या कहा गया, दस्यु कहा गया। तो दास और दस्यु दोनों में, दोनों से क्या हुआ, संघर्ष हुआ आर्यों का, क्योंकि आर्य बाद में आए लेटर, क्योंकि आर्य एक साथ तो भारत में नहीं आए थे, बाद में आए। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार के बारे में तो हमने जान लिया, और यहाँ पे इसी के युद्ध के बारे में एक साक्ष्य भी प्राप्त होता है जिसको कहते हैं, जो सबसे पहले जिस अगर कहीं पे युद्ध लड़ा गया उसको कहते हैं दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध के बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये कुछ बात थी जिसके बारे में हमने डिस्कस की, मूल क्वेश्चन बन सकते थे जो यहाँ से, ये कुछ एरिया दिख रहा होगा आपको। अब बात करते हैं वैदिक आर्यों की, कि मूल स्थान के बारे में क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे विद्वानों के मतभेद प्राप्त होते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक, इनका कहना है कि महर्षि देव से उसकी उत्पत्ति हुई आर्यों की। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से उत्पत्ति हुई, ध्रुव आक्रमण का सिद्धांत कहते हैं। मैक्स मूलर जैसे विद्वान है वो कहते हैं नहीं, मध्य एशिया से। तो लेकिन इन्हीं की जो मैक्स मूलर और हेडर वाली, रेयर और मेयर की जो चर्चा है, इन्हीं का मत क्या होता है, माना सर्वमान होता है कि मध्य एशिया से ही आर्य क्या आए थे, भारत में आए थे। ठीक है, ये कुछ मत थे। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक विस्तार के बारे में, कि उनका आर्यों का राजनीतिक जीवन कैसा था। ठीक है, चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं आर्यों की। तो आर्यों को जो राजनीतिक चर्चा की बात करें तो आर्य कहते घुमक्कड़ी जीवन जीते थे। तो जब घुमक्कड़ी जीवन जीते थे और उनका जो मूल काम क्या था, वो कबलाई पद्धति पे रह करते थे, कबलाई जीवन व्यतीत करते थे। और जो कबलाई राजा होते थे वो क्या करते थे, प्राय उन्हीं के रक्त संबंधी हुआ करते थे। यानी कि जो राजा भी बनता था, राजन कहते थे जिसको, ठीक है, प्रधान इसमें दे दिया कि राजा, राजन कहते थे उसको, तो वो उसी की चर्चा मिलती है। तो चलिए हम ब्लैंक पेज पे देखते हैं, अच्छे से समझते हैं कि राजनीतिक जीवन के बारे में डिस्कस करें तो राजनीतिक जीवन क्या था उनका, कि सबसे पहले क्या हुआ, राजा के एक राजनीतिक जीवन में आर्य थे, वो घुमक्कड़ी जीवन जीते थे। ठीक है, उनका काम घुमक्कड़ी जीवन जीना था और वो कबलाई पद्धति पे विश्वास करते थे, कबीलियाई पद्धति पे विश्वास करते थे। कबीलाई पद्धति क्या होती थी, कबीले बना बनाकर एक दूसरे झुंड के रूप में चलते थे और साथ में रहा करते थे। ठीक है, कबीलों के रूप में रहते थे, जिसको कबलाई पद्धति कहते थे।
और क्या हुआ इनमें, क्या हुआ क्योंकि यहाँ पे कृषि ज्यादा विख्यात नहीं थी, लेकिन फिर भी राजा क्या थे, राजा राजपद जो होता था वो वंशानुगत होता था। वंशानुगत मतलब जो राजा का बेटा है वही राजा बनता था, कोई चुनौतियां नहीं होती थी उसके लिए। लेकिन जो कुछ समितियों जैसे सभा समिति और की चर्चा मिलेगी, वो उस पर क्या करती थी, राजा पे अंकुश लगाती थी उसके, कि वो इसका मतलब जो ऋग्वैदिक राजा था वो क्या करता था, वो क्या था, निरंकुश शासक नहीं था, यानी कि उस पे अंकुश रहा करता था। ठीक है, सभा समिति के चयन, उनको क्या चयन की प्रक्रिया प्राप्त होती थी कि वो क्या करती थी, उसको मतलब राजा पे रोक टोक रखती थी, या राजा निरंकुश शासन नहीं था, क्योंकि उस समय कुछ इतनी व्यवस्था भी नहीं थी, कृषि उतनी सक्षम नहीं हुई थी जिसके कारण राजा को क्या अधिशेष की प्राप्ति हो, इसलिए राजा क्या हुआ निरंकुश शासन नहीं था। ठीक है, सभा समिति कई भी जगह चर्चा मिलती है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कौन कौन सी प्राचीनतम संस्थाएं थी। जैसे प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का मुखिया कौन था, राजा होता था। बहुत सारी प्राचीनतम संस्थाएं हैं जैसे सभा हो गई, समिति हो गई, विधत हो गई, गढ़ हो गई और परिषद हो गई, चार पांच सभाएं मिलती हैं, इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं सभा की, तो सभा की जो चर्चा मिलती है ऋग्वेद में 8 स्थानों पर मिलती है, जिसकी हम वर्तमान राज्यसभा से तुलना कर सकते हैं, राज्यसभा के समान तुलना कर सकते हैं, क्योंकि उस समय राज्यसभा और लोकसभा जैसी कोई ऐसी संस्थाएं विकसित तो थी नहीं, लेकिन इसकी सिर्फ तो वर्तमान की तुलना की जा सकती है। ठीक है, इसको दो प्रतिनिधि हुआ करते थे, एक को कहते हैं श्रेष्ठ जन, उसको सुजात कहा जाता था, और जो सामान्य जन होते थे उसको सभ्य कहा जाता था। और सभा में क्या करते थे, स्त्रियों की भागीदारी होती थी, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसको बोल रहा हूँ, जिसको सभापति कहा करते थे, कि क्या सभा, क्वेश्चन आएगा क्या सभा में स्त्रियों की भागीदारी होती थी, किस काल में, ऋग वैदिक काल में। याद कर रखना ये ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं हम, उत्तर वैदिक काल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी सारी चर्चा जो हो रही है ऋग वैदिक काल के बारे में हो रही है, क्योंकि जो वैदिक काल है उसको दो भागों में पढ़ना है, एक ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो हम आज ऋग वैदिक काल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये ऋग वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में क्या करता था, प्रवेश की भागीदारी थी, और उसको कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। ठीक है, तो ये सभा के बारे में चर्चा हो गई कि कहाँ पे स्थान 8 बार ऋग्वेद में उल्लेख मिला है, और इसमें क्या होता था कि स्त्रियों की भागीदारी भी होती थी। ठीक है, अब अगली चर्चा करते हैं समिति। समिति की चर्चा मिलती है ऋग्वेद में 9 स्थानों पर समिति का वर्णन मिलता है, इसको लोकसभा के सदस्य माना जा सकता है, और जो सभा का अध्यक्ष होता था उसको ईशान या पति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ईशान। तो सभा के मुखिया को क्या कहते थे, ईशान कहते थे। ये भी एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था SSC में। ठीक है, कि सभा समिति जो होती थी उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो ईशान कहा जाता था। और जो सभा और समितियों जैसे कार्य, उनका कार्य क्या होता था, राजा का निर्वाचन करना, राजा का पुनः निर्वाचन करना और राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करना। मैंने अभी बताया कि जो राजा था ऋग्वैदिक काल का वो क्या था, निरंकुश नहीं था, मतलब उसको जो मर्जी करे वो नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां पे जो सभा समिति जैसी संस्थाएं थी वो उस पर राजा के कार्यों पे नियंत्रण रखती थी, इसलिए राजा निरंकुश नहीं था। और समिति में भी स्त्रियों की भागीदारी हुआ करती थी, यानी कि हमने देखा कि सभा में भी स्त्रियों की भागीदारी है और समिति में भी स्त्रियों की भागीदारी है। आगे एक संस्था आएगी विदत, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसमें भी सभी महिलाओं की भागीदारी होती थी, मेन इंपॉर्टेंट बात। तो हमने क्या देखा कि ऋग्वेद में चाहे वो सभा हो, चाहे समिति हो, चाहे विदत हो, इन तीनों संस्थाओं में स्त्रियों की भागीदारी होती थी। जब हम आगे उत्तर वैदिक काल में बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि महिलाओं के अधिकारों पर क्या अंकुश लगाना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे अंकुश लगाना प्रारंभ हो जाएगा और केवल उच्च उच्च वर्ग की महिलाओं को ही क्या सभा समिति में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या जाना कि तीनों संस्थाओं में विदत हो गई, ये सबसे प्राचीनतम संस्था थी, क्योंकि इसका उल्लेख 122 बार स्थानों में मिलता है ऋग्वेद में। तो हमने देखा कि जो विदत नाम की प्राचीनतम संस्था है, उत्तर वैदिक काल में जाते जाते क्या होगा, ये संस्था गायब सी हो जाएगी, जिसके आगे चलते कालांतर में इतनी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे मौर्य काल में देखते हैं प्रशासन व्यवस्था का विस्तार होता है, तो कैसे होता है धीरे धीरे जानेंगे। फिलहाल अभी बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि विदत जैसी संस्था है वो सबसे प्राचीनतम संस्था है आर्यों की, और इसका उल्लेख कितने बार मिलता है, 122 बार मिलता है। और मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसमें सभी महिलाओं की भागीदारी शामिल थी, क्या थी, सभी महिलाओं की भागीदारी होती थी विदत में। तो हमने तीन संस्थाओं के बारे में जानना, चलिए अगली देखते हैं, चौथी संस्था है गढ़, यानी कि ये भी प्राचीनतम संस्था थी, इसका उल्लेख भी 46 स्थानों पर मिलता है। ये एक प्रकार की जनसभा होती थी और इसके मुखिया को गणपति कहा जाता था। अगली संस्था है परिषद, तो कुल मिला के हमने 5 संस्थाओं के बारे में बात की, पहली हो गई सभा, दूसरी हो गई समिति, तीसरी हो गई विदत, और चौथी हो गई गढ़, और पांचवी है, ठीक है, जनजाति या परिषद कहते हैं। ये एक जनजाति संस्था थी, इसमें क्या होता था, ये कालांतर में शाही परिषद के रूप में तब्दील हो गई, जिसको कहते हैं सैन्य परिषद कहते थे, जिसको सैन्य परिषद में राजा होता था, राजा का जो कारबार संभालता था उसके मंत्री होते थे, मंत्रीगण होते थे। धीरे धीरे ये सामंती व्यवस्था का उदय करते गए, और कालांतर में क्या हुआ कि एक नई शाही परिषद का निर्माण हुआ, जिसको राजा की
अनुमति के बिना कहीं भी आने जाने की अनुमति नहीं थी, तो उसको क्या कहते हैं, शाही परिषद के रूप में जाना गया, कि जो राजा के आदेशों पर ही काम करती थी। तो ये हमने पांचों संस्थाओं के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन सी संस्थाएं थी, आर्यों के राजनीतिक जीवन से रिलेटेड उनके बारे में डिस्कस कर लिया पांचों संस्थाओं के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात देखते हैं कौन कौन संस्थाएं, जैसे कि कुछ वेद हैं, जैसे ऋग्वेद में कितनी बार चर्चा मिली है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सभा की चर्चा कितनी बार मिली है, 8 बार मिली है, और समिति की चर्चा 9 बार मिली है, और वेदत की चर्चा 122 बार मिली है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो इसको जरूर याद करिएगा। ऋग्वेद में सभा की चर्चा 8 बार, समिति की 9 बार, और वेदत की 122 बार चर्चा मिलती है। अगर अथर्ववेद में बात करें तो अथर्ववेद में 17 बार सभा की, 13 बार समिति की, और 22 बार वेदत की, खास इंपोर्टेंट नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों में 21 बार विदत की चर्चा मिलती है, भाषण नई संहिता में 10 बार विदत की चर्चा मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो विदत नाम की संस्था थी सबसे प्राचीनतम संस्था थी, क्योंकि इसी का उल्लेख सबसे ज्यादा जो भी ग्रंथ हैं उनमें मिलता है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह याद रखना है कि ऋग्वेद में कौन कौन सभाओं की चर्चा मिलती है, सभा की मिलती है 9 बार, 8 बार, समिति की 9 बार, और विदत की 122 बार। ये इंपॉर्टेंट हो गई, प्रशासनिक संस्थाएं हो गई। अब बात करते हैं प्रशासनिक ढांचे की, ऐसा प्रशासनिक ढांचा क्या था। प्रशासनिक ढांचे के बारे में अब पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको क्या क्या पता मालूम होना चाहिए कि वहां पे राजा कैसा था, उसकी क्या मंत्रिपरिषद थी, और क्या सैन्य व्यवस्था कैसी थी वहां की, न्याय व्यवस्था कैसी थी, कैसा कर व्यवस्था थी, क्या कर लिया जाता था, करदान की प्रणाली थी, प्रांतीय प्रशासन पे कैसा था कि जो कैपिटल होती थी वहां पे कैसा शासन होता था, इसके बाद स्थानीय स्थान पर कौन कौन से शासक होते थे, कौन कौन से अधिकारी नियुक्त होते थे। तो कुल मिला के इतनी 8-7-8 बातों की चर्चा होनी चाहिए अगर किसी की भी संस्था की प्रशासनिक व्यवचारिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानना है। तो हमने देखा था कि जो प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, कि सबसे चलिए ब्लैंक पेज पे समझते हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, हमने देखा कि अभी उसमें कबलाई पद्धति पे कायम था जो भी राजतंत्र था, और जो कबलाई पद्धति में जो राजा होता था उसमें क्या होता था कि वो कुल मिला के उसी के रक्त संबंधी हुआ करते थे। जो भी उसकी मंत्रिपरिषद होती थी वो क्या होती, सब रक्त संबंधी थे, एक दूसरे के रक्त संबंध से निर्मित थे, यानी कि उस पर किसी भी गैर ऐसे व्यक्ति को राजा सदस्य नहीं बनाया जाता था राज्यसभा का, जो कि उसके रक्त संबंध का ना हो, यानी कि जो राजा होता था उसका ही लड़का या फिर उसका भाई भतीजा, जो भी हो, भाई भतीजा वाद चलता था, उसी को मंत्रिपरिषद के अंतर्गत शामिल किया जाता था। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि राजा निरंकुश था, क्योंकि उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी कि राजा के पास शेष की व्यवस्था हो जिससे क्या हो, नए वर्गों का उदय हो सके। तो हमने क्या देखा कि प्रशासन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी उसको क्या कहते थे, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी उसको कुल कहा जाता था, ठीक है, और कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था, कुलप कहा जाता था, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, कुल के बाद जो नई थी बड़ी इकाई थी उसको कहते थे ग्राम। अभी भी देखते हैं ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती है, ग्राम स्तर पे देखें तो सबसे छोटी इकाई अगर प्रशासन की है तो उसको ग्राम कहते हैं, जैसे ग्राम पंचायत आज के काल में बोला जाता है। ग्राम के बाद एक नई संस्था थी, उस ग्राम के जो मुखिया था उसको क्या कहते थे, समानता ग्रामिक या ग्रामीण कहा जाता था, ठीक है। और जो ग्राम से बड़ी इकाई थी उसको कहते थे विश, और विश के मुखिया को विशपति कहा जाता था, विशपति और एक विषमपति। तो जो विषमपति था वो राजा का नाम था, लेकिन जो विशपति था, विष के मुखिया को विशपति कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद जो विश्व से बड़ी संस्था थी उसको कहते थे जन, तो जन जन था, इसके मुखिया को राजन कहा जाता था। तो हमने देखा कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि सबसे छोटी इकाई प्रशासन की, मैं क्वेश्चन सेट लगाऊंगा तो उसमें पूछूंगा कि ऋग्वेद काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो कुल थी, उससे बड़ी इकाई कौन सी थी, ग्राम, इसके बाद देश, इसके बाद जन। तो ये कुल सामाजिक या प्रशासनिक व्यवस्था कुछ ऐसी थी, इसमें लिखा भी हुआ है सबसे छोटी इकाई कुल हो गई, उसके मुखिया को कुलप कहते थे, बड़ी इकाई उससे ग्राम हो गई, उसको ग्रामीण कहते थे। इसके बाद जो सबसे बड़ी उसकी बड़ी संस्था थी उसको विश कहते थे, विश का स्थान 117 बार, इसकी 170 बार चर्चा मिली है ऋग्वेद में, इसका जो उसको विशपति कहा जाता था, और विश से बड़ी इकाई राजन होती थी, राजन जन होती थी, जिसके मुखिया को राजन कहा जाता था, और इसकी शब्द 275 बार मिलती है। और राजा के अन्य नामों के बारे में चर्चा मिलती है, जैसे राजन हो गया, एक ये विषमपति, जनस, गोपति और गोप्ता, इस राजा की कुछ अन्य उपाधियां थी। मैंने अभी बात की विषमपति की, विषमपति और विषपति की चर्चा मिली आपको कि विषमपति और विषपति क्या होते थे। तो विषपति होता था वो विष का मुखिया होता था, अधिकारी होता था एक तरीके से, लेकिन जो विषमपति था वो राजा का ही नाम हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट बात, इससे क्वेश्चन पूछा गया था कई बार, और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था SSC में कि गोमत और गोपत दो शब्द मिले थे, गोमत और गोप्ता। जो गोमत होता था और गोपत होता था उसमें ये बात है कि जो गोपत शब्द है वो राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन जो गोमत शब्द है वो धनी व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, कि जो गोमत का मतलब होता है धनी व्यक्ति, लेकिन जो गोपत है यानी गोप्ता या गोपति है, इसका प्रयोग है राजा, ठीक। ये भी आपको याद रखना है।
अब कबीलों के बारे में देख लेते हैं, कैसे कैसे कबीली पद्धति थी, कि कबीला क्षेत्र जो भरत कुल के थे कई सारे कबीलों में तब्दील हुए। भरत कुल वहां पे भरत कबीले थे, उसको कुरु के आसपास का क्षेत्र जैसे हस्तिनापुर कहते हैं आज, ठीक है, हरियाणा के आसपास का क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा जाता था। मत्स्य राज था उसको, भरतपुर नाम से जाना जाता था। अनुज था, दुई के भी पंजाब के एरिया में आते हैं, तूस है, इसको दक्षिण पूर्व में, यदु थे पश्चिम में, थे पुरु थे सरस्वती नदी के तट पे थे। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, भरत और पुरु इन जरूरों को याद रखना कि किस किस क्षेत्र में था, क्योंकि कालांतर में यही पुरु और भरत मिलकर के एक नई संस्था जिसे कुरु कहा जाता है, जिसके बारे में महाभारत जैसी संस्थाओं में महाभारत जैसी कहानियों में चर्चा मिलती है कि कुरुक्षेत्र में जिसे हस्तिनापुर कहा जाता था, यहाँ पे इतने बड़े महायुद्ध की चर्चा मिलती है, लेकिन इसके कोई साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, सिर्फ धर्म दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए मैंने बताया आपको कि जो भारत के इतिहास लेखन की समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो उसके साहित्यिक साक्ष्य हैं और पुरातात्विक साक्ष्य हैं, वो दोनों मैच नहीं खाते। को धर्म दर्शन कुछ और कहता है, लेकिन जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कुछ और कहता है। सबसे बड़ी समस्या ये बनी रहती है। तो हमको उससे मतलब नहीं है, जो हमारा काम है वो कर रहे हैं कि भरत कुल के जो कहाँ का क्षेत्र था कुरुक्षेत्र का, लेकिन जो पुरु था वो सरस्वती नदी के आसपास का क्षेत्र था, और कालांतर में दोनों मिलकर के कुरु का निर्माण करते हैं। और जब उत्तर वैदिक काल में हम जाएंगे तो यही कुरु पंचालों से मिलकर के कुरु पंचाल क्षेत्र उसको का विस्तार कर देते हैं। तो ये हमने उसके प्रशासनिक ढांचा के बारे में देखा। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो कुछ अधिकारियों की चर्चा और मिलती है प्रशासनिक ढांचा में, जो कि यहाँ पर नहीं मिलती, लिखा हुआ है कि एक अधिकारी की चर्चा मिलती है जिसे कहते हैं पुरोहित। पुरोहित आपने सुना ही होगा, पुरोहित का नाम, ठीक है। तो इसके एक अधिकारी की चर्चा और मिलती है जिसको पुरोहित कहते हैं। ये क्या एक वरिष्ठ अधिकारी होता था, यानी कि एक समान सा अधिकारी होता था, बड़ा अधिकारी होता था। इसको क्या होता था कि ये वशिष्ठ जैसे, विश्वामित्र जैसे ऋषियों की चर्चा मिलती है जिसको पुरोहित करते हैं। जो वशिष्ठ थे वो क्या थे, आर्यों के पुरोहित थे, और विश्वामित्र थे अनार्यों के पुरोहित थे। ठीक है, तो पुरोहितों की चर्चा मिलती है ऋग्वेद में, लेकिन इनका कुछ बहुत सारे अधिकारियों की चर्चा मिलती है, लेकिन इनका क्रम स्पष्ट नहीं है। पुरोहित हो गया जैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ, ये सब पुरोहित के अंतर्गत आते थे। ठीक है, और विश्वामित्रों ने यहाँ पे हम देखते हैं कि जो होता धर्म दर्शन, यानी कि धर्म पे हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था इसी काल से, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि जो विश्वामित्र थे उन्होंने जो अनार्य थे, जो भारत के निवासी थे, उनको अनार्य कहा जाता था, उनको आर्य बनाने के लिए, अनार्यों को आर्य बनाने के लिए एक गायत्री गायत्री छंद की रचना की थी। किसको, गायत्री छंद की रचना की थी, जिसको आज कालांतर में गायत्री मंत्र के नाम, गायत्री मंत्र के रूप में जाना जाता है, जिसकी चर्चा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलती है। किसकी, गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। इसको किसने लिखा था, तो कहते हैं किसको मिला था, विश्वामित्र ने आर्यों को अनार्यों बनाने, अनार्यों को आर्य बनाने के लिए ये ऋग्वेद की तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, जैसे गायत्री छंद कहते हैं, कि चर्चा की थी। ठीक है, ये हो गई पुरोहित के बाद। इसके बाद एक और इकाई मिलती है, सामने आती है अधिकारी वर्ग, उसको कहते हैं सेनानी। सेनानी होता था, सेनानी का काम मुख्य होता था राजा में को युद्ध में सहायता करना। ठीक है, राजा की युद्ध में सहायता करना सेनानी का प्रमुख कार्य होता था, लेकिन ये सेनानी राजा के निजी संबंधी होता था, यानी कि रक्त संबंध से पृथक नहीं था ये, यानी कि राजा कोई संबंधी निजी संबंधी होता था जिसको सेनानी कहा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं कर व्यवस्था की, कि आखिर इसकी कर व्यवस्था कैसी थी ऋग्वेदिक काल की, कर प्रशासन की इकाई कैसी थी। तो यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि कोई कृषि का इतना व्यापक विस्तार नहीं था, ऋग्वेदिक लोग क्या थे, घुमक्कड़ी जीवन जीते थे, कबीलाई पद्धति पे विश्वास करते थे। तो वो जो खेतों का जो जो भी था गाँव, उनके लिए गाय जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होती थी उनके लिए। ठीक है, तो गाय उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होती है गाय, इसलिए उनको चारा गाय का प्रबंध करना पड़ता था। और चारा गाय के अधिकारी की भी चर्चा मिलती है, उसको वाज्यपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वाज्यपति, वाज्यपति के रूप में चर्चा मिलती है कि वाज्यपति होता था, कौन होता था, जो वाज्यपति होता था वो चारा गाय का अधिकारी होता था। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में गायों का बहुत ही महत्व मिलता है, और गायों को चरने के लिए चारे की जो आवश्यकता होगी, इसलिए उसके गायों के चारों के रक्षक के लिए वाज्यपति नाम के अधिकारी की एक चर्चा मिलती है। कर व्यवस्था की बात करते हैं, तो किसी अधिकारी की चर्चा करके लिए नहीं मिलती है, क्योंकि इतना विशेष ही नहीं था कि किसी अधिकारी को जबरदस्ती करके लिए लाया जाए। लेकिन यहाँ पे एक कर लिया जाता था जो स्वैच्छिक कर था, यानी कि अगर लोगों को मन है तो वो कर राजा को कर दे सकता है, नहीं मन है तो नहीं दे सकता है। यहाँ पे कोई दबाव वाली व्यवस्था नहीं थी, उस कर को कहते थे बलि नमक कर दिया जाता था। वो बलि नमक कर था, ये वस्तुओं और खान पान की वस्तुओं, जंगली वस्तुओं का था, ना कि बलि शब्द जिसकी चर्चा किसी को बलि देने चढ़ाने जैसे मंदिर में वगैरह में चढ़ाया जाता है, नर बलि की चर्चा भी मिलती है, वो बलि नहीं थी। ये एक प्रकार का कर था, स्वैच्छिक कर था, जिसको राजा के भेंट स्वरूप दिया जाता था, बल्कि ये कोई हत्या वगैरह वाला बलि नहीं है। ठीक है, और देखते हैं ग्रामीण की चर्चा तो हमने देख ही ली, और कुल की प्रशासन की सबसे इकाई के बारे में देख ली। तो कुल मिला के ऐसी कुछ कर व्यवस्था थी, और बलि नामक एक स्वच्छ कर दिया जाता था। तो चलिए वापस से चलते हैं।
ये कबीला ही पद्धति हो गई। अब राजा के सहयोगी के बारे में, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि पुरोहित कौन होता था, राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था, इसके बाद सेनानी होता था, सेना के नेतृत्व करता था, कुलपति की चर्चा मिल गई, परिवार के मुखिया होता था, विस्पति की चर्चा मिल गई, विस की इकाई हो गई, वाज्यपति का अंत चारागाह का अधिकारी था, इसके जरूर इंपोर्टेंट हो गया, ठीक है। ग्रामीण की चर्चा, गांव का प्रमुख हो गया, स्पष्ट होता था उसको गुप्तचर कहा जाता था, दूत होता था वो कबीलाओं के सामंजस्य करता होता था, और पुरुष क्या होता था, दुर्ग की अधिकारी होता था, ठीक है। ये कुछ मिला के कुछ चर्चा थी, यहाँ पे वाजपति ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये राजा के सहयोगी के बारे में डिस्कस कर लिया, और एक चार ये प्रमुख, ये इसको मोस्ट इंपोर्टेंट बोलता हूँ कि उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे कैसे, क्वेश्चन आता है कि जो कुरुक्षेत्र के आसपास का एरिया होता है ऋग्वेद में उसको क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, आर ब्रह्मावर्त क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो कुरुक्षेत्र के आसपास का एरिया होता है उसको ब्रह्मवर्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दूसरा होता है गंगा यमुना के दुआब का क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, उसको ब्रह्मर्षि ऋषि देश के रूप में जाना जाता है। हिमालय और विंध्य के क्षेत्र होता है उसको मध्य देश के रूप में जाना जाता है। और तीसरा होता है संपूर्ण भारत आर्यों का क्षेत्र, जिसे आजकल आर्यावर्त कहते हैं, यानी कि भारत शब्द के लाने भी, भारत शब्द के लिए भी आर्यावर्त शब्द का यूज किया जाता है। तो आर्यों का जो संपूर्ण क्षेत्र वो आर्यावर्त होता है। तो हमने क्या देखा कि ये चार महत्वपूर्ण स्थल हैं, इनके बारे में पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में, जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं जैसे पीसीएस जैसे एग्जाम यूपीएससी वाले, उनमें ये पूछा जाता है कि कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहते हैं, यमुना दुआब का क्षेत्र होता है उसको ब्रह्मर्षि देश कहते हैं, हिमालय और विंध्य के मध्य का क्षेत्र होता है उसको मध्य देश कहते हैं, आर्यों का जो संपूर्ण क्षेत्र था जहां तक आर्यों ने शासन किया उसको आर्यावर्त के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गए प्रमुख स्थल, इनको जरूर आप याद कर लीजिएगा। ऋग्वैदिक काल की समाज व्यवस्था, इसको समाज व्यवस्था को समझने से पहले प्लीज चर्चा करते हैं कि आखिर हमने बात की आर्यों की, तो आर्य होते क्या थे, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, पहला शब्द, ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से बना, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। दूसरा सवाल है आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किया था, किस दर्रे से प्रवेश किया था, खैबर दर्रे से प्रवेश किया था, और सबसे पहले भारत में आके कहाँ से प्रवेश किया, तो पंजाब वाले रीजन से प्रवेश किए थे। और जो यहाँ पे एक मत मिलता है बाल गंगाधर तिलक का, जो हमने बात की थी, तो बाल गंगाधर तिलक का कहता है वो आर्य कहाँ से, मध्य एशिया से नहीं आए थे बल्कि आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। आर्कटिक क्षेत्र सुन के आपको समझ में आया होगा, चलिए बात करते हैं आर्कटिक क्षेत्र की। जैसे पृथ्वी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 23.5 उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में इसको कहते हैं कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, इसके बाद फिर 66.5 डिग्री में इसको कहते हैं आर्कटिक, नीचे होता है अंटार्कटिक वृत्त। तो जो आर्कटिक क्षेत्र है, यहाँ ध्रुवी वाला एरिया, ये वाला एरिया है, तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो आर्य थे वो भारत में आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और बात करते हैं आर्यों की भाषा कैसी थी, तो आर्यों की भाषा कैसी थी, संस्कृत भाषा थी आर्यों की, ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए अब उनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है उसके लिए ऐसा बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो हर एग्जाम का पैटर्न बदलता चला जा रहा है। अब बात करते हैं वैदिक कालीन समाज की, तो वैदिक कालीन समाज व्यवस्था कैसी थी, समतामूलक समाज था। समतामूलक समाज से का मतलब है कि सभी को समान अधिकार प्राप्त थे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको सभा समिति जैसी संस्थाओं में भाग लेने का अधिकार था। कोई भी स्त्रियों की समान आयु वर्ष थी वो 16 से 17 वर्ष की आयु में थी, जो कि आजकल की जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा 18 वर्ष की आयु उसकी लगभग तुलना थी। इसका मतलब जो वैदिक कालीन समाज व्यवस्था थी जो स्त्रियों के लिए बहुत ही अच्छी थी, और जो शासन समाज था वो समतामूलक समाज था, कोई भी वैसे व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आगे इसी देखते हैं कि यहाँ पे 3 वर्गों में बटा मिलता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, लेकिन शूद्र की चर्चा मेज मिलती है, लेकिन जो इनका जो विभाजन किया गया था वो कर्मों के आधार पर किया गया था, ना कि जाति व्यवस्था के आधार पर किया गया था विभाजन, जिसको कालांतर में ऐसा रूप बदला कि एक जाति के रूप में वो पाया, और जिसको आज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की संज्ञा मिल गई। लेकिन जो उस समय जब काल विभाजन हुआ था, कर्मों के आधार पर विभाजन हुआ था, यानी कि जो लोग जैसा कर्म करते थे उनकी उसी के आधार पर उनके वर्णों में बांट दिया गया कि अगर ये काम ये यज्ञ कराने का काम कर रहा है तो इसको ब्राह्मण कर दिया, ये लोगों की रक्षा करने का काम कर रहा है उसको क्षत्रिय कर दिया गया, और जो अन्य काम करते थे खेती बाड़ी काम करता था उसको वैश्य की संज्ञा दी गई। लेकिन कालांतर में यही एक जाति व्यवस्था के रूप में सामाजिक बुराई के रूप में पनप गया, ठीक है। तो हमने देखा कि सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, लगभग समतामूलक समाज था, ठीक है। और यहाँ पे जो पशुचारण व्यवस्था के कारण समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज था, आज भी देखते हैं लगभग पितृसत्तात्मक समाज ही है, यानी कि पिता ही क्या होता था, परिवार की सबसे मुख्य मुखिया होता था। अभी हमने बात की कि उसका मुख्य मुखिया कुलप होता था, परिवार का सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुलप होती थी, जिसके मुखिया कुलप होता था। और जो पितात्मक समाज था उसमें पिता प्रत्येक सदस्यों पर पर्याप्त नियंत्रण होता था, जैसे आज भी देखते हैं कि
घर का जो सदस्य पिता होता है वो घर के सभी सदस्यों पे क्या होता है, नियंत्रण रखता है। तो ऐसी व्यवस्था वैदिक कालीन समाज में भी थी। ऋग्वेद में जो परिवार शब्द की तो कुल शब्द की चर्चा मिलती है, नहीं हुआ है, यानी कि जो ऋग्वेद में परिवार शब्द के लिए है वो कुल की चर्चा तो नहीं मिलती है, लेकिन गृह शब्द की चर्चा मिलती है। सॉरी ये मिसप्रिंट होगा, ये गलत है कि परिवार शब्द के लिए कुल की चर्चा नहीं मिलती, परंतु किसकी चर्चा मिलती है, गृह शब्द, जिसको गृह माने घर होता है, गृह शब्द की चर्चा मिलती है। ठीक है, और परिवार के सदस्यों में जो गृह शब्द चर्चा मिलती है उसमें परिवार में कौन कौन शामिल होता है, तो माता पिता शामिल होते हैं, ठीक है, माता पिता शामिल होते हैं, और उसके बाद जो पुत्र पुत्री होती है उनको भी शामिल किया जाता था, साथ में दास दस्यु जो भी होते थे, दास होते थे, उनको भी शामिल किया जाता था दास। लेकिन उस समय जो दास होते थे वो क्या थे, परिवार का ही हिस्सा होते थे, क्योंकि उनसे घरेलू काम कराया जाता था, खेती जैसे काम में उनका उपयोग नहीं किया जाता था, तो इस तरह से वो परिवार का हिस्सा होते थे। संयुक्त तो परिवार की अवधारणा विकसित थी और सबके लिए लगभग जितने भी संबंधी होते थे उन्हें नृपति शब्द, सॉरी ये छोटी की मात्रा रॉन्ग लग गई है, इसको नृपति है, नृपति नहीं नृपति, नपति शब्द की चर्चा मिलती है, यानी जितने भी आपके संबंधी हो, चाचा हो, दादा हो, नाना हो, कोई भी हो, उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द की चर्चा मिलती है, और वो क्या है, नपति शब्द की चर्चा मिलती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, संयुक्त परिवार की अवधारणा थी, और कोई भी रक्त संबंधी, कोई भी परिवार संबंधी जो भी हो, उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द मिलता था, नपति है, कोई भी चाचा नहीं था। पितृ समात्मक समाज होने के कारण यहाँ पे एक योग्य पुत्र की कामना की गई है, जैसे योग्य पुत्र की कामना है, इसको सौवीर कहा जाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने स्टार लगा दिया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पितृ समाजात्मक व्यवस्था के कारण, क्योंकि पशुओं को चराने के लिए एक पुत्र की आवश्यकता होती थी, इसलिए एक योग्य पुत्र की कामना की जाती थी जिसको सौवीर कहा जाता था। लेकिन कन्या के जन्म को हतोत्साहित करने के साथ प्राप्त नहीं हुए, इसका मतलब कि लड़कियों को भले ही लड़कियों के जन्म की कामना न की जाती हो, लेकिन ये उनके अगर उनका जन्म हुआ है तो उसको हतोत्साहित नहीं किया जा सकता, यानी कि बाल हत्या, बूढ़ हत्या के कोई भी सच प्राप्त नहीं होते हैं। इसका मतलब एक तरीके से पूरा समतामूलक समाज था, सबको समान अधिकार प्राप्त थे, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कुछ भी हो। ठीक है, और देखते हैं कि अगर समाज के बारे में जितने भी रक्त संबंधी होते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही शब्द की चर्चा मिलती है जिसको नृपति कहते हैं, और परिवार का जो पितृसत्तात्मक परिवार था, कन्या के जन्म को हतोत्साहित करने के साथ प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन युग पुत्र की कामना मिलती है कि पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था के लिए जिसको सौवीर कहा जाता था। तो ये समाज व्यवस्था हो गई। ठीक है, और सामाजिक व्यवस्था में आगे देखते हैं वर्ण व्यवस्था की, वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है। तो पहले प्रम में देखते हैं कि दो ही प्रकार के वर्ण हुआ करते थे, एक होता था आर्य होते थे, एक दूसरा अनार होता है। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, इसका विभाजन प्रम हुआ। क्यों प्रम हुआ, चलिए बात करते हैं। युद्ध आदि हमने छेका कई कबीलाई पद्धति में होते थे, जैसे कि ये कुरु हो गया और ये पंचाल हो गया, कुछ भी दो युद्ध लेते हैं। अब इनके बीच में जब युद्ध हुआ, क्या हुआ कि मान लीजिए एक कुरु पंचालों के बीच में युद्ध हुआ, तो जो भी विजित वस्तुएं होती थी, तो यहाँ पे हमने देखा जो पुरोहित लोग होते थे, जैसे मान लीजिए कि ये आर रहे, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, ये मान लीजिए ये आर हो गए और ये जो लोग हैं ये अनार हो गए, ठीक है, ये अनार हो गए, ठीक है, जो आर नहीं थे तो अनार क्रॉस कर दिया। तो लेकिन युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, कि क्या हुआ, आर लोग जीत गए। जब आर लोग जीते तो मान लीजिए कोई संपत्ति प्राप्त हुई, ये संपत्ति प्राप्त हो गई इनको। अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे था पुरोहित होता था अधिकारी, वो क्या करता था, यज्ञ काम करता था, इसके बाद क्षत्रिय होता था। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो संपत्ति मिली उस पर अपनी महत्तम मतलब उपयोग अपना करते थे, यानी कि आधे से ज्यादा संपत्ति ये दोनों वर्ग ही ले जाते थे। इसके बाद क्या होता था, ये लोग बाकी जो बचा हुआ शूद्र और वैश्य वाला वर्ग था उनको बांट देते थे, जिससे क्या हुआ, समाज में एक विभाजन से प्रारंभ हो गया, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का उदय हो गया। क्योंकि ये जो पुरोहित और सरदार थे, ये जो वस्तुएं थी उनपे अपना हक दिखाने लगे। ठीक है, तो ऐसे उदय हुआ धीरे धीरे वर्गों का। ठीक है, यही कालांतर व्यवस्था आगे बढ़ती गई, और हम देखते हैं कि ऋग्वेद में कर्म के आधार पर यह मुख्य इंपोर्टेंट क्या, तीन वर्णों की सूचना मिलती है, जिसके कहते हैं पुरोहित, योद्धा और सामान्य वर्ण। यही कालांतर में जाके क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की परिकल्पना मिलती है, इसके बारे में बात की जाती है। लेकिन हमने इस बात की कि ऋग्वेद में जो इन तीनों वर्गों का जो विभाजन किया गया है वो उसके कर्मों के आधार पर किया गया है, ना कि उनकी जाति व्यवस्था के आधार पर। लेकिन यही क्या होता है, कालांतर में एक बड़ी जाति व्यवस्था, बड़ी कुरीति के रूप में विकसित हो जाता है, जो कि आज तक समाज में दूर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि वर्ण व्यवस्था का कारण क्या था, कारण क्या था कि वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ, वह ये कि जो जीती हुई वस्तु थी उसमें सामाजिक विभाजन प्रारंभ हुआ, क्योंकि जो पुरोहित योद्धा वर्ग था वो उन जीती हुई वस्तुओं पर अपना अधिक 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 हिस्सा लेता था, जिससे क्या हुआ, समान वर्ग प्रभावित हुआ और उसने क्या किया, धीरे धीरे समाज का विभाजन हुआ और ये जटिलता बनती गई, और कालांतर में योद्धा, पुरोहित और समान वर्ग की उत्पत्ति हुई, जिसे आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की अवधारणा मिलती है। ठीक
ठीक है। ब्राह्मणों की चर्चा ऋग्वेद में 14 स्थानों पर मिलती है और क्षत्रियों की चर्चा 9 स्थानों पर मिलती है, ठीक है, ऋग्वेद में। अब बात करते हैं एक अलग वर्ण की जिसे शूद्र कहते थे, इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद में नहीं हुई थी। चलिए पहले इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं क्या है इसकी। जो हमने देखा वर्ण व्यवस्था थी, समानता जो आज समाज में देखी जाती है वो 4 प्रकार की होती है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ऋग्वेदिक काल की, तो ऋग्वेदिक काल में केवल ब्राह्मण छत्री और वैश्य की उदाहरण यानी तीन ही वर्गों की चर्चा मिलती है, और वो भी किसके आधार पर, उनके किए गए कर्मों के आधार पर इन तीनों की चर्चा मिलती है, ना कि उनकी जाति व्यवस्था के आधार पर इनकी तीनों चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में हमने देखा क्योंकि जो ऋग्वेद की रचना की गई है वो कुछ इस प्रकार से की गई है कि जो 2 से लेकर 7 मंडल है ऋग्वेद में, टोटल 1 से लेकर 10 मंडल है, ये मंडल के यहाँ प्राचीन मंडल है, यानी इनकी रचना ऋग्वेद में की गई है। लेकिन हम देखते हैं जो पहला नंबर मंडल हो गया, इसके बाद जो 8वां मंडल हो गया, 9वां मंडल हो गया और 10वां मंडल हो गया, ये 4 मंडल है, इनकी चर्चा बाद में की गई, बाद में ऋग्वेद में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो प्राचीन मंडल है इनमें कहीं भी वर्ण व्यवस्था की चर्चा नहीं मिलती है, लेकिन जो ऋग्वेद का ये 10वां मंडल है, कौन सा, ये 10वां मंडल है, इसमें एक जाति व्यवस्था की चर्चा मिलती है ऋग्वेद में, ठीक है, जिसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 10वें मंडल की पुरुष सूक्त है, उस पे चर्चा मिलती है। पुरुष सूक्त में किसकी, 10वें मंडल की पुरुष सूक्त में 4 प्रकार के वर्णों की चर्चा मिलती है, ठीक, जिसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि ऋग्वेद में केवल 3 ही वर्ग थे जिस और उनका विभाजन किया गया था कर्मों के आधार पर, लेकिन जो 4था वर्ग जिसको शूद्र कहते हैं उसकी उत्पत्ति ऋग्वेद में नहीं हुई थी। यानी हमने क्या देखा कि जो 4 वर्ग तो थे ये कालांतर में बाद में जोड़े गए, लेकिन जो 3 वर्ग थे, लेकिन जो ऋग्वेद में हम चर्चा कर रहे हैं वो केवल 3 ही वर्गों की चर्चा मिल रही है, 4था वर्ग जिसे शूद्र वर्ग कहते हैं इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद में नहीं हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। दास क्या थे, प्रवर्ती काल में वही लिखा हुआ है कि चतुर्थ वर्ग 10वें मंडल के की शुद्ध वर्ग की उत्पत्ति क्या हुई थी, नहीं हुई थी, लेकिन जब 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या होता है, 4 प्रकार के वर्णों की चर्चा मिलती है, जिसको यह माना जाता है कि प्रवर्ती काल का है, क्योंकि हमने बताया कि जो ऋग्वेद के 207 मंडल है वो क्या है, प्राचीन है, इसके बाद जो एक पहले 10वें बाकी के मंडल है वो क्या है, नवीन मंडल है, ठीक है। अब बात करते हैं दास की, तो दास क्या होते थे ऋग्वेद में, दासों की भी चर्चा मिलती है, दासियों की चर्चा भी मिलती है, और दास और दासियों की चर्चा भी मिलती है जिनके पुरोहितों को दान दिया जाता था। लेकिन इस काल में क्या होता था, जो दास थे उनको सीधा खेती कार्यों में नहीं लगाया जाता था, ना ही दासियों को खेती कार्यों में या उनसे कोई भी काम कराया जाता था, बल्कि उनको सिर्फ घरेलू कार्यों के लिए ही लगाया जाता था। और ऐसा भी चर्चा मिलती है ऋग्वेद में कि जो दास और नौकर, दो शब्द चर्चा मिलती है, क्या आपने सोचा है दास और नौकर में अंतर क्या होता है। जो दास होता है, अगर वो कोई व्यक्ति दास है तो वो उसको जीवन पर्यंत उसको दास ही रहना पड़ता है और उसको उसके बदले में कोई भी वेतन नहीं मिलता, लेकिन जो नौकर होता है वो एक सीमित समय के लिए होता है और अपने किए गए कार्य का क्या होता है, लेता है, उसका वेतन लेता है और वो जब मन होता है उसको वो छोड़ के जा सकता है। लेकिन जो दास व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जब चाहे वो छोड़ के नहीं जा सकता है। लेकिन ऋग्वेद में एक चर्चा मिलती है कि यदि आप अगर ऋण नहीं चुकाते हैं तो आपको दास बनाया जा सकता है, यानी दास का मतलब आपकी पीढ़ी, पूरी पीढ़ी अब दास व्यवस्था का, उसके जो भी जिस परिवार की दास है उसका क्या करेगी, हमेशा उसकी ऋणी रहेगी। और दास बनाने की चर्चा मिलती है कि अगर आप व्यक्ति ने दास नहीं दिया तो उसको दास बनाया जा सकता है, और दासों से केवल घरेलू काम कराया जाता था, तो ये नौकर और दासों में चंचर हो गया, चर्चा मिलती है। और दास और दासियों की दोनों की चर्चा भी मिलती है ऋग्वेद में, और उनको किसको दिया जाता था, पुरोहितों पंडितों को यज्ञ कराने के रूप में उनको दान में दिया जाता था, ठीक है। ये हो गया समाज। अगले देखते हैं स्त्रियों की चर्चा, स्त्रियों की स्थिति के बारे में हमने बात की कि जो ऋग्वेदिक समाज है वो कैसा समाज था, एक समतामूलक समाज था, सबको समान अधिकार प्राप्त थे, महिलाओं को क्या होता था, जो संस्थाएं होती थी जैसे सभा हो गई, समिति हो गई, उनको भाग लेने की क्या होती थी, अनुमति होती थी। इसका मतलब कि जो स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी ऋग्वेदिक काल में, बहुत सारी उषा जैसी महिलाओं की चर्चा मिलती है ऋग्वेदिक में, ठीक है। इसका मतलब जो महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, उनको पति के साथ सामूहिक जो यज्ञ होते थे उनमें प्रतिभाग करने की क्या थी, छूट होती थी। सामाजिक व्यवस्था बेहतरी व्यापक हो चुकी थी, वह संस्था काल में कायम हो चुकी थी, और जो विवाह की उम्र थी 16 से 17 वर्ष थी, स्थापित होती विधवा विवाह, नियोग प्रथा की अनुमति होती थी, बाल विवाह जैसी कृतियां क्या थी, स्थापित नहीं हो पाई थी उस समय तक, ठीक है। आगे बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। समाज की जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसा समाज था, पशुचारक समाज था, क्योंकि कृषि उपयोगों का केवल पशुओं के चारे के लिए किया जाता था। गांवों की चर्चा बार बार मिलती है, गांवों को ऋग्वेद में एक पवित्र पशु के रूप में माना जाता था, और इसी के शब्द में गायों के लिए बहुत सारे शब्दों की चर्चा मिलती है, जैसे गविष्ठ हो गया, गविष्ठ को युद्ध के लिए प्रयोग किया जाता था, गायों को तो उसको गविष्ठ कहते थे, क्योंकि गविष्ठ जो होता था युद्धों गायों के लिए युद्ध हुआ करता था, ठीक है।
समय की माप के लिए गोधूलि वेला कहते हैं, जिसको आज भी कहते हैं गोधूलि वेला चल रही है, तो उसको गोधूलि शब्द की चर्चा मिलती है समय के लिए। अतिथि के लिए गोवन शब्द की चर्चा मिलती है, द्विता पुत्री के लिए द्विता शब्द की चर्चा मिलती है। और यहाँ पे क्या हुआ, शिल्प की भी उत्पत्ति को शिल्पों की व्यवस्था मिलती है। तो मैंने बात की थी आपको जब हड़प्पा सभ्यता में कि अगर कहीं भी कृषि जैसे हो रही है, कोई भी शिल्प का होगा, जैसे मान लीजिए कृषि है, इससे क्या होगा, अगर कोई अधिशेष हुआ, एक्स्ट्रा यानी कि सरप्लस की स्थिति हुई, जब सरप्लस की स्थिति हुई इससे क्या होगा, ये सरप्लस क्या होगा, इससे दो वर्गों का उभय होगा। पहला वर्ग क्या होगा, शिल्प वर्ग का उभय होगा, क्योंकि उन व्यक्तियों को भी ऐसे वर्गों की चर्चा भी मिलती है जो कि कृषि कार्य में भाग नहीं लेते थे, लेकिन उनको खाने की तो जरूरत होगी जब कृषि की बात। तो क्या हुआ, जब अधिशेष की स्थिति हुई तो शिल्प वर्ग थे, जैसे कोई व्यक्ति सुनार है तो सोने का काम कर रहा है, जो बड़ाई है वो अपना काम कर रहा है, मेज वेज बनाने का काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति होता था, लेकिन अगर वो उस काम में लगा हुआ है तब उसको खाने की तो जरूरत होगी, तो जो अधिशेष की स्थिति थी उसके खाने की स्थिति को पूरा करती थी, ठीक है। और इसी अधिशेष के कारण क्या हुआ, आगे चलांतर में संन्यास वर्ग, जैसे सन्यासी वर्ग कहते हैं, उसका भी भरण पोषण प्रारंभ हो गया। तो हमने अधिशेष के कारण ऐसा हुआ, कुछ शिल्पों की चर्चा भी मिलती है, जैसे रत्कारी बुनकर हो गए, कुंभकार हो गए, कुम्हार हो गए। लेकिन इस काल में देते हैं धातु में केवल कांसे का ज्ञान था, लेकिन जिसके लिए अयस्क शब्द की चर्चा मिलती है, इसका मतलब जो ऋग्वैदिक काल है कि उसमें सोने का सॉरी लोहे का प्रयोग होता था, तो नहीं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में सोने का लोहे का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है वहां पे लोहे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसका मतलब ऋग्वैदिक काल में लोहे की चर्चा मिलती है और कांस्य धातुओं की चर्चा ज्ञान नहीं था। ये उसकी अधिशेष की प्रारंभिक स्थिति हो गई। आर्थिक स्थिति के बारे में बात की, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। वैदिक कालीन धर्म और दर्शन, जो वैदिक कालीन धर्म और दर्शन कैसा था, जो धर्म समानता दवीकरण हुआ करता था। दवीकरण मतलब प्रकृति की एक देवी की तरह पूजा होती थी। जो आर्य लोग थे, जो भी उनके समझ में जो भी गुत्थियां समझ में नहीं आई, जैसे कि अग्नि की चर्चा मिलती है, उन्होंने देखा कि अग्नि क्या होता, कभी कभी इतनी प्रफुल्लित हो जाती है कि पूरी पूरी वनों को आग लगा देती है, ठीक है, यज्ञ कार्य में इनका महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। तो उसको अग्नि के बारे में उन्होंने क्या हुआ, अधिक चर्चा नहीं मिल पाई, क्योंकि जो भगवत कोई अभिलेख है जो कि 1400 ईस्वी में प्राप्त होता है, वहां पे चार देवताओं की चर्चा मिलती है, इंद्र वरुण मित्र और नसत, जैसे चार देवताओं की तुलना मिलती है, लेकिन अग्नि की चर्चा नहीं मिलती है। इसका मतलब अग्नि क्या था, ऋग्वेद में जो आर्य जो मध्य एशिया से भारत में आए थे उनके साथ तो अग्नि कहीं की चर्चा मिलती नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में आगे जाकर जब ये भारत में आते हैं तो इसकी चर्चा मिलती है, क्योंकि अगर अगर अग्नि इनका प्रारंभिक देवता था तो उसकी चर्चा मिलनी चाहिए था, क्योंकि वहां पे जब मध्य एशिया से आए तो वहां पे तो कोई चर्चा मिली नहीं, लेकिन जब भारत में आए तो क्या हुआ, उनकी चर्चा मिली। इसका मतलब कि जो ऋग्वेदिक लोग हुआ आर्य होते थे, उनके क्या था कि जो भी चीजों का उनको गुत्थी सुलझा नहीं पाते थे, वो उसको प्रकृति का रूप दे देते थे, कहते थे ये भगवान है, और ये दैवीकरण कर दिया जाता था, ठीक है। तो प्रकृति का दैवीकरण के धर्म दर्शन में होता है। धार्मिक मानताएं क्या होती थी, भौतिक जीवन पर आधारित थी, यानी पारलौकिक जीवन की कोई भी घटनाएं साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। जो भी लोग होते थे वो यही कहते थे, जो आर्य लोग थे वो कहते थे कि जो भी है जब सब यहीं पे धार्मिक भौतिक जीवन है, यहाँ पे स्वर्ग की कल्पना की गई है कि यहीं पे कोई स्वर्ग नहीं होता है, यही स्वर्ग है, और भौतिक जीवन की आकांक्षाओं की तुलना की गई है, यानी कि जो भी यहीं पे यही सब कुछ है, ऐसी चर्चा धार्मिक मान्यताएं प्राप्त होती हैं। और इसीलिए जो सौवीर जिसको कहते हैं अच्छे पुत्र की कामना की जाती है अच्छे वर्ग के लिए, ठीक है, तो भौतिक जीवन की जो कि यहाँ पे उसी की चर्चा मिलती है, कि इसका मतलब जो आर्य लोग थे केवल भौतिक जीवन पे विश्वास करते थे, पौलौकिक जीवन पे मृत्यु के बाद के जीवन पे कोई विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। दूसरी, अधिकांश देवताओं की पूजा मानव के रूप में होती थी, कुछ भी जैसे पशु हो गए, द्वेष हो गए, वृषभ कहते हैं, सूर्य की वेग अश्व के रूप में, मारुति की माता के रूप में, चितकबरी गाय के रूप में इसका उपयोग मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद में पशु पूजा के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, यानी ऋग्वेद में कहीं भी पशुओं की पूजा के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन जो देवता होते थे उनको मानव के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवताओं की चर्चा मिलती है, लेकिन कुछ देवता है जैसे इंद्र हो गया, वरुण, अग्नि, सोम, यम, इनकी चर्चा अधिक बार मिलती है, और कुछ महिलाओं की चर्चा मिलती है जैसे उषा हो गई, जैसे सूर हो गए, सवित्र हो गए, जिसको सूर को सवित्र कहा जाता है, सवित्री जैसी महिलाओं की चर्चा मिलती है। तो देवी देवताओं की चर्चा मिलती है, पहले एक एक करके देवी देवता देखते हैं। पहले इंद्र के लिए पुरंदर शब्द की चर्चा मिलती है, तो इसके 250 सूक्त दिए गए, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा कितने बार मिली है। सबसे ज्यादा अगर कहीं पे चर्चा मिली है इंद्र की वो किसी देवता की, तो वो है इंद्र। इसके बाद है अग्नि की चर्चा 200 बार मिलती है, ठीक है, तो इंद्र की चर्चा 250 बार मिलती है। इसके लिए बहुत सारे शब्द है, जिसके पुरंदर कहते थे, अश्वजीत कहते थे, पुलवी कहते हैं, पूर्विक कहते हैं, संतक्रांति, माधवन कहते थे, इत्यादि की चर्चा मिलती है। पुरंदर का मतलब होता है दुर्गों को भेदने वाला, किलों को तोड़ने वाला,
ठीक है, इसलिए जो हड़प्पा कालीन जो हड़प्पा सभ्यता के विनाश के रूप में जब हमने जाना था हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर में कि कैसे हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ ह्रास हुआ, तो उसके विषय में देखा था कि जो इंद्र की जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत था कि आर्य आक्रमण के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि जो वहां पे जो मोहनजोदड़ो थे वहां पे लाशों का ढेर प्राप्त हुआ, जैसा ऐसा माना गया कि जो इन पुरंदर नाम का जो देवता जो कि किलों को भेदने वाला है उसने क्या किया, जो आर्य थे उनको क्या हुआ, उनको नगरी सभ्यता भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो एक ग्रामीण समाज थे, पशुपालक पे ध्यान देते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया दुर्गों को भेदा। उसी शब्द में पुरंदर की चर्चा मिलती है, लेकिन इसके कोई साक्ष प्रारंभिक साक्ष प्राप्त नहीं हुए, तो ऐसा माना जा सकता है कि इसके लिए जो पुरंदर शब्द है इसकी होता है मतलब होता है कि क्या होता है किलों को तोड़ने वाला। अश्वजीत शब्द की चर्चा मिलती है, इसका मत अर्थ होता है शत्रुओं पर विजय का प्राप्त करने वाला, और इतने सारे शब्दों जैसे माधवन हो गया, सत्कृति, प्रभु, पुलवी शब्द की चर्चा भी इंद्र के रूप में मिलती है, इंद्र हो गया। अब बात करते हैं अग्नि, दूसरा देवता है उसको कहते हैं अग्नि। अग्नि का जो इसके ऋग्वेद में 200 बार इसको मिला गया है, इंद्र के बाद अगर किसी देवता की चर्चा मिलती है तो अग्नि की चर्चा मिलती है, लेकिन अग्नि के बारे में हमने देखा कि ये क्या अग्नि जो मध्य एशिया से जो आर्य आए थे उनके साथ नहीं था, लेकिन जो आर्य और नारों में जब टक्कर हुआ तो क्या हुआ, कुरांतर में जब कुरु और भरत जैसे कबीले मिले तो उनमें क्या हुआ कि उनके जो कुछ प्रमुख देवता थे उनकी भी उनको आराधना करनी पड़ी, जैसे उसमें अग्नि था क्योंकि अग्नि के अग्नि से बहुत सारे काम लिए जाते थे, क्योंकि कबीलाई पद्धति में यह आवश्यक था कि अग्नि को प्रमुख स्थान दिया जाए, क्यों, क्योंकि जो कबीलाई लोग होते थे जैसे कि जो अनार थे उनके लिए अग्नि बहुत महत्वपूर्ण होती थी, क्योंकि जो अनार लोग थे वो क्या करते थे कि केवल आर जो उस गांव पशुओं को पालते थे वो उनको शिकार के लिए यूज करते थे, लेकिन जो आर आए तो वो क्या एक पशुपालक समाज था, इसलिए उनके टक्कर हुई और उन्होंने कहा नहीं अग्नि को प्रमुख स्थान देना चाहिए क्योंकि इसका उपयोग जंगलों की सफाई करने में और खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो उसको एक देवता की गई तुलना, और मूल निवास इसका स्वर्ग में था परंतु मातृ ऋषभ द्वारा धरती में लाया गया था ऐसा माना जाता है। इसका प्रयोग घर के तालुका में किया जाता था और देवताओं मनुष्यों के मध्यस्थ का काम करता था ऐसा माना जाता था कि अग्नि जो देवताओं और मध्य के जो मनुष्य है उसके बीच में यज्ञ क्या मध्यस्थ का काम करता था, क्योंकि जो ऋग्वेद में यज्ञों की चर्चा मिलती है और यज्ञों में बहुत सारे ऐसे स्थानों ऐसी कहानियों की चर्चा मिलती है कि अग्नि को क्या होता था, अग्नि प्रकट होती थी, ठीक है, अगर यज्ञ करने से आहुति दी जाती थी अग्नि देवता प्रकट होता था, ऐसी कुछ कहानियां मिलती हैं ऋग्वेद में, ठीक है, तो अग्नि की चर्चा हो गई। अब अगले देवता की चर्चा करते हैं इसके वरुण, इसको 3 सूक्तों में इसको भी दिखाया गया, तीसरा प्रमुख देवता है, इसको जल का देवता कहा जाता था वरुण को, और इसके इसलिए 2 शब्दों की चर्चा मिलती है, एक होता है रेत दूसरा होता है ऋतु, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। रेत का मतलब होता है नैतिक नियमों का देवता, किसको माना जाता था, एक पवित्र क्योंकि देवता था इसको नैतिक नियमों का देवता माना जाता था वरुण को, ठीक है, और जो मौसम का देवता कहते थे उसको मौसम का संरक्षक भी जिसे कहते हैं इसको भी वरुण कहते थे। ऋग्वेद में वरुण को वायु की सांस कहा जाता था। वरुण की चर्चा भोगज कोइल अभिलेख में की गई है, 4 देवता थे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, जैसे 4 देवताओं की तुलना चर्चा मिलती है, तो वही वही देवता है वरुण, उसी की चर्चा मिलती है। भोगज कोइल अभिलेख में वरुण की चर्चा मिलती है। चलिए अगला देखते हैं, और भी देवता है जैसे सोम हो गया, सोम के लिए जो पूरा पूरा मंडल समर्पित है जिसको 9वें मंडल में सोम की चर्चा मिलती है, ठीक है, सोम को क्या कहा जाता था, इसका जो मूल स्थान है मुंजय पर्वत, मुंजवंत पर्वत को माना जाता था, इसको औषधि और वनस्पति का देवता माना जाता था, किसको, सोम को, ठीक है, इसकी तुलना चंदा से भी की जाती है, और इसके लिए पवित्र पेय जिसको सोमरस कहा जाता है इसकी चर्चा मिलती है, अमृत रस या सोमरस की चर्चा भी सोम के लिए की गई है। सोम देवता हो गया, सूर्य हो गया, सूर्य के लिए सवित्र शब्द का प्रयोग किया जाता था, इसके लिए सूर्य के लिए 10 शब्द मिले हैं। सूर्य को मित्र, वरुण और अग्नि का नेत्र माना जाता था, किसको, मित्र, वरुण और अग्नि का नेत्र किसको माना जाता था, सूर्य को माना जाता था, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही, इसको ऋग्वेद के 10वें मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है कि पुरुष सूक्त की चर्चा मिलती है जिसमें शूद्र वर्णों की यानी 4 वर्ण प्रकार के वर्णों की है, नदी सूक्त भी कहते हैं ऋग्वेद में, 4 उसकी देवता मिलती है, ठीक है, ये कुछ देवता हो गए। अब बात करते हैं उपासना की विधि, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो ऋग्वेदिक आर्य थे वो कैसी उपासना करते थे, क्योंकि हमने देखा कि वो एक भौतिक भौतिक सुख की कामना करते थे, अच्छे पुत्र की जिसे कामना करते थे जिसे सवीर कहा जाता था, जो सबसे प्रमुख विधि थी उपासना की उसको स्तुति कहा जाते थे, यज्ञ कहते थे, और स्तुति और बलि की भी चर्चा मिलती है, ठीक है, सामूहिक स्तुति की चर्चा मिलती है, मंत्रों की शुद्धता की चर्चा मिलती है, मंत्र जो कि जो उपासना होती थी ऋग्वेद में वो मुख्यतः क्या होती थी, मंत्रों के द्वारा होती थी, यानी कि मंत्रों के आधार पर ही उसकी चर्चा की जाती थी। ऋग्वेदिक कार्य जो आराधना का काम मुख्य उद्देश्य था उनका लौकिक सुख की प्राप्ति थी, यानी कि जो इस लोक में वो क्या कर रहे हैं जीवन जी रहे हैं उसी की चर्चा मिलती है कि उसी की आराधना करते थे, उसकी लौकिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन उनका ये मतलब कभी भी नहीं था कि
यही लोक की चर्चा मिलते थे, बल्कि परलोक की परलौकिक साक्ष के सुखों की चर्चा की कोई भी साक्ष्य मिलते थे, वो उपासना करते थे। इसका एक ही उद्देश्य होता था कि अच्छा पुत्र प्राप्त हो, जिसको सवीर कहा जाता था, अन्न प्राप्त हो, दान प्राप्त हो, पशु अच्छे रहे, उनके गायों के आरोग्य रहे, ऐसी चर्चा मिलती है। इसका मतलब कि वो आध्यात्मिक उद्देश्यों के साथ उसकी उपासना नहीं करते थे। उनका कामना था कि केवल भौतिक सुख प्राप्त हो, हमको जो इस लोक में हम जी रहे हैं उन्हीं की प्राप्ति हो, इसलिए जो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए उपासना करते थे, ना कि परलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए। ये उसकी उपासना की विधि हो गई। अब बात करते हैं ऋग्वेदिक काल में कुछ नदियों की चर्चा मिलती है, जो प्रमुख प्रमुख नदियां, उनके प्राचीन नाम, ये एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप मैं टैग लगा दे रहा हूँ, इनको जरूर याद कर लीजिए। जैसे नदी है सतलज नदी, इसको क्या कहते थे, सतुद्री कहा जाता था। रावी नदी है, रावी नदी को क्या कहा जाता था, रावी नदी को परसुड़ी, परसुड़वी के नाम से जाना जाता था, रावी नदी को। चिनाब नदी है, चिनाब नदी को अस्कना कहा जाता था। गोमती नदी को गोमल कहा जाता था। ब्यास नदी को बिपाशा कहा जाता था। और झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता था। गंडक नदी को सदानीरा कहा जाता था। गंडक नदी को सतानीरा कहा जाता था। एक बार फिर से देख लेते हैं, सतलज, सतुद्री, रावी, परसुड़ी, चिनाब, अस्कना, गोमती, गोमल, ब्यास, बिपाशा, झेलम, वितस्ता, गंडक, सतानीरा, ऐसी नदियों की चर्चा मिलती है। ये ऋग्वेदिक काल में इनके जो ये आजकल के नाम है इसको, और ये प्राचीन नाम है, इनकी चर्चा मिलती है, इनके जो इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं दस राग युद्ध की, जिसके हमने चर्चा की, जिससे लेकर के आर्यों का इतना बड़ा विस्तार हुआ कि वो पूरे लगभग कि यहाँ सप्त सिंधु प्रदेश से होते हुए, ये सिंधु प्रदेश से होते हुए यहाँ पे जो यमुना, गंगा यमुना का क्षेत्र है, या यमुना नदी हो गई, ये गंगा नदी हो गई, यहाँ तक फैल गया। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो यही यहाँ पे इतना विस्तार यहाँ तक हो गया। कुल मिलाकर के इतने बड़े क्षेत्र में जब आर्य फैले तो कैसे हुआ, इसका इसी के लेकर के ये युद्ध है, जिसका दशराग का युद्ध कहते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अगर दुनिया में कहीं पहले युद्ध हुआ किसी, तो दशराग का युद्ध होता। अभी हमने देखा रावी नदी, जिसे परसुड़ी कहा जाता था, इसी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे क्या हुआ, पहला युद्ध हुआ दुनिया का, जिसे दशराग युद्ध के रूप में जाना गया। दशराग युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि एक ओर थे आर जो कि मध्य एशिया से आए थे, और दूसरी ओर थे अनार। अनार में क्या था, दस राजाओं का संघ था। इसमें जो पांच राजा थे वो आर्य राजा ही थे, लेकिन जो पांच राजा थे वो अनार राजा थे, यानी पांच अनार राजा और पांच आर्य राजाओं के बीच में युद्ध हुआ, इसलिए इसको दशराग युद्ध के रूप में जाना गया। इसमें जो भरतवंशी कबीला था, एक भरतवंशी कबीला था, इसके जो राजा थे उसको कहते थे सुदास कहते थे, ठीक है, और उनके जो पुरोहित थे उसका नाम था वशिष्ठ। और लेकिन जो दस राज्य का संघ था, जिसमें दस राज्यों में बात करें तो पांच आर्य राजा में पुरु था, आजु था, दुंदु था, यदु था और तुर्वस था, और पांच अनार राज्यों में अकिन, पक्क, अलावस और विदि था। इनका जो पुरोहित था उनको विश्वामित्र कहते थे। जब दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो क्या हुआ कि विजय कौन हुआ, आर्य विजय हुआ, और भारत में आर्य साम्राज्य का विस्तार क्या हुआ, फैला हुआ। और इसी आर्य राजा जो सुदास थे, इन्हीं को क्या पूरे भारतवर्ष जितना भी आर्यवर्त क्षेत्र था उसका राजा बनाया गया। और कालांतर में यही भरत और पुरु मिलकर के कुरु की चर्चा हुई, जिसको हस्तनापुर के आसपास का क्षेत्र माना जाता है, तो कुरुकुल की स्थापना हुई। तो ये दशराग युद्ध था, इसका भी चर्चा मिलती है, पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सी नदी के तट पे हुआ था, रावी जिसे परसुड़ी कहा जाता था उसके तट पे चर्चा हुई। विजय कौन हुआ, सुदास हुए। कबीलों के जनक कौन से, राजा कौन से, तो भरतवर्षी कबीले सुदास थे। दस रागों का समझे संभ्रण कहा जाता था, उसकी चर्चा मिलती है। तो ये आज था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करना जरूर ना भूलना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।